दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और सही गलत का फर्क बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग सही कमेंट करते हैं, सुधार करने के लिए कमेंट करते हैं, सांस दिलाने के लिए भी कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों कि फैमिली मेंबर की तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को बताते हैं, आप लोगों को तो मालूम है मेरे दुख के बारे में, लेकिन फिर भी बताते हैं दोस्तों, क्या कर बताना पड़ता। मेरा घर वाला नीतीश मंडल जो है हमको छोड़ दिया, अब छोड़ दिया है दोस्तों। तो आप लोग बताइए कितना हम भटक रहे हैं दोस्तों, कितना भटक रहे हैं। कल गए थे महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, वहाँ से दौड़े दोस्तों तो एसपी सर के पास गए। एसपी सर के पास गए, एसपी सर नहीं थे, बोले सोमवार को चाहे मंगलवार को आने, जाएंगे सोमवार के लिए मंगलवार के। लेकिन महिला हेल्पलाइन गए, वहाँ से कुछ हेल्प मिला। और देखिए दोस्तों, कुसाकटा थाना मेरा पड़ता है, कुसाकटा थाना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब काहे नहीं कर रहे उनको मालूम, मेरे ससुराल से सब बोलता है कि हमारे जेबी में है थाना पुलिस, मतलब पैसा देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब लोग पैसा दिया है, क्या किया वही लोग जाने। लेकिन हम उसको देखे थे दोस्तों, थाना पे अब प्रशासन का धर्म जाने और वो जाने। लेकिन दोस्तों, बाबू को हम कहना चाहते हैं, कुसा कटा वाला बड़ा बाबू को कहना चाहते हैं कि सर, अगर आप वर्दी पहने हुए हैं, आप सच्चाई का साथ दीजिए सर। मान के चलिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, मान के चलिए मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरा मेडिकल जांच करवाइए और कार्रवाई कीजिए। इसीलिए कार्रवाई कीजिए कि कोई भी मर्द, कोई भी औरत को मतलब खेल के छोड़े ना, इसके लिए कार्रवाई करना जरूरी है। ये नहीं कि उनको रखे, हम रहने के लिए तैयार, वो नहीं रखने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं। वो नहीं भी रखेगा ना तो कोई बात नहीं, हम जी लेंगे। लेकिन एक बात, सबक सिखाना जरूरी है। आज मेरे साथ ऐसे किया है, कल ऐसे किया, कोई भी मर्द को आगे नहीं बढ़ने दीजिए सर। किसी भी औरत के साथ खेल के उसको बर्बाद करके छोड़ दे रोड पे, अब बोले कि हम कुछ नहीं किए, औरत ही गलत है। अगर औरत गलत रहेगी ना तो छिप जाएगी, जैसे मर्द छिप जाता है, जैसे मेरा घर वाला छिप जाता है नीतीश मंडल, घर में ही रहता है, दिन में उधर 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 करते रहता है। क्यों नहीं आते मीडिया वाला के सामने, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आप सही जवाब देते, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम गलत हैं तो आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं कि वो औरत गलत है, सामने में पीछे में, पीछे में। दोस्तों, आप लोग से यही बिनती दोस्तों, यही बिनती दोस्तों, माथा में दर्द हो रहा है, भूखे प्यासे, भूखे प्यासे दोस्तों भर दिन भटकते रहते, भर दिन चेहरा देख ले कैसा हो गया, भर दिन माथा में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, भूखे प्यासे में बात हो रहा, भूखे प्यासे क्या करें, पैसा नहीं रहता है दोस्तों, कहाँ से क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
सब पैसा तो लेके चला आया। बोला चल आएंगे 15 से 20 दिन में, और ये भी काम किया था, इसका भी पैसा रुकल है फैक्ट्री में। बोले कोई बात नहीं, जो कनी मनी पैसा ले जाता है घर कोई काम होगा फिर चलिए आएंगे 15 दिन में, क्या करेंगे हम पैसा रख के। दोस्तों देखिए आने के बाद मेरा नीतीश कैसा हो गया, उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ जिसको हम छोड़ के रूम पे जा रहे हैं वो कैसे रहेगी, अगर रह भी जाएगी तो उससे कैसे विश्वास होगा, कैसे हमारी पत्नी रहेगी। उसके मन में लालच था दोस्तों, अब हमको पूरा समझ आ रहा है। अगर उसको हमारे से प्यार रहता ना, हमसे प्यार करता, हमको जैसे अपना जीवन साथी बनाया, अगर हमको अपना इज्जत समझ लेता ना, इतना दिन समझा लेकिन घर आने के बाद अगर अपना इज्जत हमको समझता ना दोस्तों, तो वो अपना फोन नहीं बंद करता, वो अपना सिम नहीं हटाता, वो सिम हटा दिया। ओकर मम्मी है ना, मम्मी ओकर बोली कि सिम तोड़ के हटा दे, तब सिम तोड़ के हटाया। इसकी मम्मी को थोड़ा सा एहसास नहीं कि हम उन लोग के लिए क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, पैसा के पैसा नहीं बूझे, लेकिन उन लोग के एहसास में दोस्तों हम यही बोलना चाहते हैं, और दीदी लोग को बोलना चाहते हैं कि देखिए हम तो जो बड़का गलती किए सो करने की, लेकिन आप लोग के लाइफ में अगर कोई हो उसके पीछे मत भागिएगा, मत जाइएगा, है तो बर्बाद हो जाइएगा। अगर जिसको अपना जान से ज़्यादा मानने लगेगा ना, वो आदमी बर्बाद कर देता है। इसीलिए हम सबसे विनती करते हैं, सब दीदी से, सब बहन से विनती करते हैं कि कोई भी लड़का, कोई भी जेंट्स के झांसे में मत आइएगा, नहीं तो मेरे जैसा हालत हो जाएगी। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग का इच्छा प्यार मोहब्बत कीजिए, लेकिन हम ये बात बोलते हैं मतलब प्यार अगर सही आदमी से होता है ना तो दर्द नहीं होता, अगर गद्दार आदमी से हो जाए ना प्यार तो बहुत दर्द होता है। जैसे हमको दर्द हो रहा है, हम भी इतना भटक रहे, हमको भागने का मन नहीं कर रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, हर दिन बवाते बवाते थक जाते हैं, घूम पर आते तो सामने में रोते रोते मेरा हालत खराब होता था, दिन कट जाता है, रात जब शाम होता था ना लुधियाना में 8 बजता था, खाना पीना बना के रेडी करके रखते थे तो बोलते थे, इंतजार करते रहते थे कि मेरा घर बलाबाद आप चलाएगा, 8 बज गया आप चलाएगा, 8:15 में घर पहुंचते थे मेरा सूरज, मेरा घर वाला 8:15 में घर पहुंच जाता था ड्यूटी से, उससे पहले हर चीज़ करके रहते थे। अब तो 8 या 9 भी बच जाता है तो नहीं आते, कैसे आए, छोड़ के चल गया तो आएगा, हमसे अगर प्यार रहता तो वो शादी करता, नहीं करता, अगर वो हमको मानता तो मोबाइल बंद करता, नहीं करता। इसीलिए दोस्तों हम इतना विनती करते हैं कि आप लोग ऐसा झांसा में, किसी के झांसा में मत आइएगा, आप लोग हमको जो समझिए जो गाली दीजिए, लेकिन हम इतना विनती करते कि हम बहुत बड़का गलती किए, मेरा घर वाला नसे बात था भगा दिया सही, लेकिन हमको किसी के झांसा में नहीं आना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नहीं समझ पाए, हमको इन पर बहुत विश्वास है, बहुत हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है बोलने का दोस्तों, फिर भी बोल रहे हैं, ब्लॉग बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोग कैसे समझिएगा, कैसे समझाएंगे आप लोग,
आप लोग को कैसे बताएं। इसीलिए दोस्तों आप लोग से एक ही विनती है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया मेरा घर वाला नीतीश, रोड पे हमको ले आया, मेरा पैसा उसा लेके मेरे इज्जत से खेल के हमको भी रोड पे लाया है। क्यों ऐसा किया, थोड़ा सा भी प्यार नहीं रहा। ए नीतीश जी आप ही से बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी प्यार नहीं, मतलब 3 साल का प्यार आप 3 महीना में 3 दिन में भूल गए। 3 महीना तो नहीं लगा लेकिन 3 दिन में भूल गए, 3 सप्ताह में भूल गए। इसीलिए भूल गए कि आप नया शादी किए, शादी तो कर लिए, हमसे अच्छी मिल जाएगी, अच्छी होगी, हमसे सुंदर होगी, लेकिन हमसे इतना प्यार करने वाले जितना हम आपको चाहते हैं ना, जितना हम आपको मानते हैं, जितना हम आपको इज्जत किए उतना कोई नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, आप देखते होंगे जितना हम आपका केयर करते थे ना उतना नहीं करती होगी, लेकिन आप तो बीवी बना लिए। वाह क्या बात है पति देव, आप तो इतना अच्छा बीवी बना लिए कि आदमी नहीं करता है सोने पे सुहागा, वही आपकी। आप सोना को छोड़ के सुहागा बना लिए, वाह क्या बात है। ऐसे करना था, जब शादी रचाना था तो आप क्या कर रहे थे मेरे साथ, मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे थे। बर्बाद तो कर ही दिए, क्या कर रहे थे। आपको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आया कि हम एक छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के जा रहे हैं लालू मोदी को। मेरा मोदी कैसे रहेगा, मोदी बार बार खोजते रहता है कि मम्मी पापा कहाँ गए। अभी भी मोदी बोल रहा है कि पापा लग जाए भी, मम्मी पापा कहाँ, इतने दिन से भी पापा कहाँ, मम्मी इतने दिन से भी पापा कहाँ, ऐसे बोलता है। क्या बोले कि तेरा पप्पा शादी कर लिया, क्या बोले मेरा बेटा लोग कलप रहा है पप्पा का, लेकिन वाह पप्पा तो नया पप्पा बन गया, दूल्हा बन गया है पप्पा, पप्पा थोड़ी है। आप ही ना बोले थे बाप का एहसास नहीं कभी कम होने देंगे, एहसास इसको इतना मतलब प्यार देंगे लोग को, कभी बाप का दर्जा कम नहीं होने देंगे, बाप का कमी नहीं होने देंगे। प्यार तो बहुत अच्छा है, दर्जा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आधा रास्ता में ला के हम लोग को छोड़ दिए। क्यों किए, हमारा से प्यार मिलता है। मोदी को कैसे भूल गया, लालू तो थोड़ा बड़ा है, मोदी को कैसे भूल गया। जो एक पल में मोदी बिना रहते थे, सो के उठते थे तो मोदी, सोने से पहले मोदी, अभी खोजते रहता है, बोलते रहता है कि कहाँ गया पापा, मम्मी बिस्कुट नहीं लेता, मम्मी पापा कुरकुरे लेकर आए थे, ऐसे बोलते। क्या बोले हम, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं, अब शादी कर लिया, क्यों किए शादी, हमारा बोले कि मन नहीं कर रहा, अब शादी क्यों की। आप कर भी लिए तो हमको बताना चाहिए ना, लेकिन आप फोन बंद कर दिए, फोन बंद करके दो दिन वहाँ क्यों ऐसे कर, आप हमको बताते लेकिन हमको तो बताते भी नहीं, हमसे बात नहीं करते। इतना जल्दी भूल गए, हम आप नहीं जिएंगे, हमारा आप नहीं जीना, कहते हम आपके बिना रहे, कैसे आपके बिना रहे।
हम कभी नहीं सोचते थे कि आप हमारे बिना रह पाएंगे। कभी नहीं सोचते थे, कभी नहीं सोचे कि आप हमको छोड़ दीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हमको छोड़ दीजिए। अगर आपको हमसे कोई गलती हो गया हो तो आप बोल देते, माफ कर देते हमको, लेकिन हमको ऐसा क्यों कि हमको आधा रास्ता में छोड़ दिया। हम आपसे विनती करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, हम मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। हम आपको पैर पकड़ के कहते हैं, हमको ऐसा मत कीजिए मोदी के पापा, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। दोस्तों आप लोग समझाइए मेरे पति को, मेरे नीतीश को, आप लोग समझाइए मेरे नीतीश की वैसा कर रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, और हर सारा बात बताइए मेरा घर वाला क्यों ऐसा किया। आप लोग से माफी चाहते हैं दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाए तो हमको माफ़ कर दीजिए।